ज्ञान धनी की जय हो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाली। से जो आप देख रहे हैं दिल्ली की कल्याण धनी की यात्रा, आज 3 अगस्त को 2022 को जयपुर से निकल रही है। उसकी ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, इसमें 5 दिनों में यात्रा पूर्ण होती है। 80 किलोमीटर के कल्याण धनी का मंदिर दिल्ली टोंक किले में स्थित है। लगातार कई सालों से यात्रा जा रही है। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों में ये यात्रा नहीं हो पाई थी। देखिए जन सैलाब, देखिए कितना है। खाने पीने की स्टॉल और भीड़ देखिए आप पीछे, शानदार भीड़ है, शानदार नज़ारा। डीजे वगैरह कई चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। पूरे रास्ते खाना पीना आपको फ्री मिल जाएगा, चाय, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, यहाँ तक कि जलेबी, पाव भाजी, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। पीछे जो आप देख रहे हैं डिग्गी यात्री आ रहे हैं, कल्याण धनी की लक्की पद यात्रा है उसके लिए आ रहे हैं। आज ये लोग मधुरामपुरा रुकेंगे, फिर हरकुलिया रुकेंगे, फिर बागी चौसला, फिर 5वें दिन ये लोग पहुंचेंगे लगभग डिग्गी। करीबन 80 किलोमीटर की यात्रा होगी। पीछे देखिए पब्लिक, जन सैलाब आ रहा है। यात्री लोग आराम कर रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं। देखिए ये बच्चा झंडा लेकर के जा रहा है, डिग्गी का झंडा। 5 दिन बाद डिग्गी में यह झंडा, 5 लाख लोग पहुंच जाएंगे। जब तक हर साल की भांति इस साल भी कोरोना को पछाड़ करके डिग्गी यात्रा अपने चरम पे चल रही है। जगह जगह टेंट लगे हुए हैं, खाने पीने की सामग्री वितरित करी जा रही है। देखिएगा मिल्क रोज वगैरह बट रहा है यहाँ पे, पूरे रास्ते कुछ ना कुछ बटता ही मिलेगा आपको। देखिएगा आप, यात्री आए, लोग आए जा रहे, रुक नहीं रहे। ये डिग्गी यात्रा का आनंद, लक्की यात्रा डिग्गी की। बच्ची भी आनंद ले रही है पूरी सब्जी का। यात्रियों का रेला आ रहा है, देखिए आप। जगह जगह डीजे साथ चलते हैं, देखिए आप। और यात्री लोग विश्राम कर रहे हैं यहाँ पे। प्रसादी के लिए लाइन लगी हुई है, देखिए आप। प्रसादी जगह जगह पे प्रसादियाँ मिल रही हैं। डिग्गी यात्रा का यही है, प्रसाद। 5 लाख लोग आते हैं, लाइन पे आए, मीठी मीठी बूंद लीजिए, प्रसाद लीजिए, कचौरी, आइसक्रीम बन रही है। देखिए आप, देखिएगा केला वितरण हो रहा है यहाँ पे। जगह जगह पे प्रसादी और केला वितरण, रोक रोक करके यात्रियों को केले दे रहे हैं। देखिए यात्रा में गाने बट रहे हैं, ये कुछ गंदी पिला रहे माता राम बीड़ी का आनंद ले रही है। अब शर्म आ रही है इनको, नहीं ले रही है। देखिए माता राम बीड़ी का आनंद ले रही है। धुआं छोड़ा है देखो माता राम ने। आप भी डिग्गी यात्रा में भाग ले सकते हैं। हर वर्ष जुलाई अगस्त में ये यात्रा प्रारंभ होती है ताड़केश्वर मंदिर से। अखबार में इसकी विज्ञप्ति आती है। रंग रंगे परिधान में नाचते गाते खाते पीते कम से कम 5 लाख यात्री डिग्गी पहुंचते हैं।
5 दिन में इस साल 7 अगस्त 2022 को सब पहुंच जाएंगे। वह वहां ध्वजा चढ़ाएंगे और गंगा जल से कल्याण धनी को स्नान कराएंगे। आज का यह कल्याण धनी का व्लॉग यहीं ख़त्म करके जल्दी जल्दी आपसे नए व्लॉग में मिलने का वादा करता हूं। आपका दोस्त आशीष पारेख। नमस्कार नमस्कार।